नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी पर। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एयर फ्रायर रेसिपी नंबर 4, एयर फ्राइड ओकरा यानी एयर फ्राइड भिंडी। यहाँ पर मैंने 8 भिंडी लिए हैं जिसे मैंने धोया है और किचन टॉवल से पोंछकर सूखा किया है। अब हम इसे काटेंगे। एक भिंडी के मैं 3 स्लाइसेस काटूंगी, कुछ इस तरह से। हम एक भिंडी के 3 स्लाइसेस करेंगे। जितने पतले स्लाइसेस बनेंगे उतनी भिंडी क्रिस्पी होगी। इस तरह से पतले स्लाइसेस में काटने के बाद हम इसे मसालों से मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम नमक डालेंगे। नमक और मसालों का इस्तेमाल अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। उसके बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, कलर के लिए कश्मीरी चिली पाउडर, तीखेपन के लिए रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून ही डाला है मैंने, और 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। भिंडी को खट्टेपन का स्वाद देने के लिए आप लाइम जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोकम जूस का इस्तेमाल किया है, मराठी में जिसको या कोंकणी एरिया में इसको आगड़ बोलते हैं। इससे खट्टापन आता है। मैंने इसमें लगभग 2 टीस्पून कोकम जूस का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे खट्टा और तीखा स्वाद बहुत पसंद है। आपकी आवश्यकता के अनुसार ये लाइम जूस या कोकम जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब मसालों को और कोकम जूस पर अच्छे से भिंडी पर लगाना है, मिक्स करना है, कवर करना है। और चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी भी छिड़क कर इनको, मसालों को थोड़ा गीला करके पूरा मिक्स कर सकते हैं ताकि वो भिंडी पर अच्छे से लग जाए, भिंडी अच्छे से मसालों से कवर हो जाए। अब भिंडी को हम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। पंद्रह मिनट हो जाने के बाद हम इस भिंडी को अब चावल के आटे से कवर करेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है और थोड़ा थोड़ा लेकर वो मैं भिंडी पर डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ ताकि पूरा जो आटा है वो भिंडी को कवर करे। चावल के आटे की वजह से भिंडी क्रिस्प हो जाएगी। अगर आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्के का आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रवा लगाकर भी आप भिंडी को फ्राई कर सकते हैं। अब क्योंकि हम एयर फ्राइंग कर रहे हैं तो तेल हमें पहले ही इसको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल इस पर छिड़क कर भिंडी को अच्छे से तेल से कवर कर रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून तेल भिंडी को अच्छी टेस्ट देगा और फ्राई कर होने में मदद करेगा और भिंडी को क्रिस्पी भी बनाएगा। भिंडी को चावल के आटे से कवर करने के बाद और तेल से कवर करने के बाद अब ये भिंडी एयर फ्राइंग करने के लिए तैयार है। ये मेरा फिलिप्स एयर फ्रायर मॉडल नंबर HD9238 विद डिजिटल डिस्प्ले। इसे हमें पहले प्री हीट करना पड़ेगा 185 डिग्रीज पर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक ये
एयर फ्रायर प्री हीट होने के बाद टाइमर ज़ीरो पर आएगा और बीप करके ऑटो शट ऑफ हो जाएगा। फिर ये एयर फ्रायर बास्केट हमें स्लाइड आउट करके बाहर निकालना है। एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका है, अब हम ये एयर फ्रायर बास्केट बाहर निकालेंगे और ये देखिए इस तरह से सब भिंडी अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे एयर फ्राइंग बास्केट में। ऊपर से एयर फ्रायर बास्केट को लिड लगाएंगे और एयर फ्राइंग बास्केट अंदर स्लाइड इन कर देंगे। अब हमें ये भिंडी एयर फ्राई करनी है 10 मिनट के लिए 185 डिग्रीज पर। एयर फ्राई करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको बार बार चीज़ें तवे पर जैसे पलटनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, उस वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये अनअटेंडेड कुकिंग का आपको फ़ायदा देता है, साथ ही साथ आप कम तेल का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ इसमें एयर फ्राई कर सकते हैं और कम तेल इस्तेमाल होने के बावजूद भी उस रेसिपी का टेस्ट बरकरार रहता है, क्रिस्पीनेस बरकरार रहता है और जूसीनेस भी बरकरार रहता है। फ्रीज किए हुए पोटैटोस, चिप्स, स्माइलीज वगैरह भी आप डायरेक्टली फ्रिज में से निकाल कर इसमें एयर फ्राई कर सकते हैं। चिकन, मटन जो भी आपको फ्राई करना है वो अगर आप पहले मैरिनेट करके रखेंगे फ्रीज़र में तो जब चाहिए तब निकाल कर आप इसे एयर फ्राई करके गरम गरम परोस सकते हैं। एयर फ्राइंग तरीका आपका टाइम भी बहुत बचाता है। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी भिंडी जो है एयर फ्राई होके रेडी है। मात्र 10 मिनट लगे हैं और 2 टेबलस्पून तेल का इस्तेमाल करके ये क्रिस्पी, टेस्टी और टैंकी भिंडी खाने के लिए तैयार है। आप इसे गरम गरम खाने के साथ परोस सकते हैं। इस रेसिपी या एयर फ्रायर या इस वीडियो से जुड़े कुछ आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें। और भी इसी तरह के एयर फ्राइंग रेसिपीज़ मैं जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। मेरे प्रोडक्ट रिव्यूज़ और एयर फ्राइंग रेसिपीज़ की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एयर फ्राइंग से संबंधित अगर आप चाहते हैं कि कोई रेसिपी मैं ट्राई करूं तो उसके संबंध में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और देखते रहिए मेरा चैनल रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। आपका जो प्यार मिला है मुझे उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही ऐसी किसी एयर फ्राइंग रेसिपी या प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी खाना खाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।